कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए। दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो काफ़ी लोगों द्वारा डिमांड की जा रही थी कि सर बताओ कि विक्स की भाप हम स्टीमर से कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इजी है, मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप इन दोनों को मिक्स करके भाप लेते हो, इसकी विक्स प्लस स्टीमर, इसमें पानी भरा हुआ मैंने, तो इन दोनों की अगर आप भाप लेते हो तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा इससे। तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्टीमर, तो यहाँ पे इसके लिए भाप लेने के लिए ये कैप होती है इसकी, तो इसे हम साइड में हटा देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से ओपन होता है। ओपन करने के बाद दोस्तों मैंने पानी इसमें पहले से भरा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको पानी डाल सकते हो। और पानी आपको इस लेवल तक डालना है, यहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ तक आपको पानी भरना है, यानी हाफ इसको फुल आपको भर लेना पानी से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आप देख रहे होगे इसके अंदर इसकी दो रोड हैं और यहाँ से ही भाप आती है। तो दोस्तों इसको आपको टाइट से बंद कर लेना है। यहाँ से बंद करने के बाद दोस्तों आपको ये विक्स लेनी है और इसे ओपन कर लेना है। सबसे पहले ये देख सकते हो विक्स है, तो आपको विक्स लेनी है, उंगली से ऐसे लगाई आपने, और जहाँ से भाप आती है यहाँ से इसकी भाप निकलती है। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर्स पे अंदर की तरफ यहाँ पे आपको विक्स लगा लेनी है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे ये मैंने विक्स लगा दी है। अब दोस्तों जो आप भाप लोगे वो पानी की भाप प्लस विक्स की भाप मिक्स होके आएगी, तो आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिलेगा। और अगर आप चाहते हो इसके अलावा भी कहीं लगाना, तो दोस्तों आपको इसके ऊपर लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे छेद हैं, इन छेदों पे भी आप विक्स को लगा सकते हो। तो ये मैंने विक्स ले लिए और ये मैं इन छेदों पर भी लगा देता हूँ, और इसको बंद कर लेना फिर। तो जो अब भाप आएगी, तो यहाँ पे विक्स लगी हुई है आप देख सकते हो, तो आपको पानी में मिक्स नहीं करनी है इसको, यहाँ पे जहाँ से भाप निकल रही है यहाँ पे लगानी है। और ये जो अंदर की तरफ छेद है इसमें, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो या कोई भी एक जगह लगा सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों पर लगा दिया है, यहाँ पे भी और इसके कैप के अंदर भी, तो इसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको इसको प्लग इन कर देना है, तो मैंने यहाँ पे प्लग लगा दिया है। और अब 2 मिनट के अंदर दोस्तों ये पानी गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इसकी भाप लेनी है। तो अब जो आपको भाप मिलेगी वो पानी प्लस विक्स दोनों की मिलेगी, तो आपको डबल बेनिफिट होगा दोस्तों। तो आपकी चेस्ट में किसी भी तरह का कंजेक्शन या नाक आपका बंद है, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा इससे। तो मैंने काफ़ी बार ये किया है और मेरे को बहुत जल्दी आराम मिला है जुकाम और खांसी दोनों में। तो आप भी इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। और मैं बता दूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट तक इसकी भाप लेनी है, क्योंकि उसके बाद ये गर्म हो जाता है। ये प्लास्टिक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा हीट हो जाता है। तो आप जितनी देर लगा के रखोगे, और ऑन करके रखना जब आप भाप ले रहे हो। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ऑन करके भाप लेनी है। हाँ, ऑन करके ही भाप लेनी है, तभी भाप निकलेगी इससे। ऑफ़ करते इसकी भाप आनी बंद हो जाती है। तो अब इसकी भाप आना स्टार्ट हो गई है, और कुछ इस तरीके से आपको भाप लेनी है 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये गरम ना हो जाए। तो हल्का गरम तो अभी भी हो गया है, बट ज़्यादा गरम हो जाता है जब आप पकड़ ही ना पाओ, तो ये गिर जाएगा। और हाँ, किसी भी एज का कोई भी इंसान इसे ले सकता है, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी ले सकता है। आपको पता है भाप कोई नुकसान नहीं करती, और विक्स भी कोई नुकसान नहीं करती। और तो दोस्तों आप अगर आप लेना चाहते हो तो इस तरीके से भाप ले सकते हो। आई होप मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँ। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।